इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इंग्लैंड में हरा दिया, 8 विकेट से वो सेकंड टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए और उस मैच में केन विलियमसन भी नहीं थे, उनके बगैर उन्होंने सीरीज जीती है। तो इसका कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा, चार दिन के बाद 18 जून से जो साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम, कुछ बढ़तरी हासिल हो गई उन्हें? 101% होगा टेस्ट मैच में। और जहां तक आपने बात की, इंग्लैंड एक बहुत मजबूत टीम को न्यूजीलैंड इस तरह हराया और हर शो में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा दी। अगर ओडीआई की बात करूं, वनडे की बात करूं, टेस्ट मैच में जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को हराने के बाद, और पाकिस्तान तो हर नहीं है, इंडिया के खिलाफ यकीनी तौर पर बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाएगी न्यूजीलैंड। हालांकि इंडिया के कप्तान अगर बात करें विराट कोहली, ये बात कहते फिर रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत कामयाबी से ये टेस्ट सीरीज हम जीत जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज यकीनी तौर पर दुनिया में जितने भी मुल्क टेस्ट मैच, खूबसूरती है गोल्ड, आम होता है गोल्ड है ये, और गोल्ड को जीतने के लिए दोनों टीमें ग्राउंड में उतरेंगी। मगर मेरे अपने क्रिकेट राय नाकस राय कहते हैं न्यूजीलैंड जहां फेवरेट होगी, न्यूजीलैंड अपनी तमाम शो में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएगी। हालांकि रेट जो है इंडिया के बहुत ज्यादा हाई है और मौजूदा इंडिया के कर्ज देते हैं, रवि शास्त्री भी यही कह रहे हैं हमारी टीम बेहतर है, मगर जो ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाएगा तो मेरे अभी भी न्यूजीलैंड ज्यादा फेवरेट है वर्ल्ड टेस्ट का जो फाइनल खेला जाएगा। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट है। सुफियान, साजिद भाई ने बात कही कि चूंकि उन्हें कंडीशन से जरा टाइमली हम आहंगी भी हो गई, दो टेस्ट मैच भी खेल लिए, इंडिया ने प्रैक्टिस किए, एक तरफ टेस्ट मैच की मैच प्रैक्टिस, एक तरफ सिर्फ प्रैक्टिस, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, आई थिंक इनिशियली तो मैं समझ रहा था बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन जब जैसे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया तो ऑब्वियसली उनका अपर हैंड है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इंडिया को रूल आउट नहीं कर सकते। इंडिया ने जिस तरह लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में क्रिकेट खेली, जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं क्रिकेट, आई थिंक मुकाबला बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेन चीज़ ये डिपेंड करेगी कि उस मतलब ऑब्वियसली प्रेशर है, पूरी दुनिया देख रही है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो जो 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 प्रेशर को सही तरह हैंडल करेगा उनके वो लोग ज़्यादा से मतलब चांसेस हैं उनके सक्सेसफुल होने के। दूसरी बात ये कि इंडिया के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्योंकि ये कंडीशंस इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को ज़्यादा फेवर करती हैं, जहाँ पे बॉल स्विंग होती है यार, उनकी कंडीशंस और इंग्लैंड के। साउथहैम्पटन में वसीम अकरम ने भी ये बात कही थी कि यहाँ पे गेंद स्विंग बॉल होती है, जो अच्छी बैटिंग करेगी टीम वो जीतने के चांसेस ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम इंडिया का भी पेस अटैक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है इस वक्त, वर्ल्ड वाइड माना जाता है इंडिया का पेस अटैक, बट क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली सीरीज जीती, आई थिंक उनका अपर हैंड है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया है। बिल्कुल है राफी, मिल गया कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज या कीवीज को? न्यूजीलैंड को देखें, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है इतनी सॉलिड लग रही थी, आप उनके जो लेफ्ट हैंड प्लेयर्स हैं लैथम वो बहुत आला है, फिर वो कॉनरे जो है और उनके जितने भी टॉप टेलर है, अभी तो विलियमसन वापस आएंगे, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी प्रोफेशनली उन्हें क्रिकेट खेली है उनके, उसके बाद बॉलिंग देखिए न्यूजीलैंड को यही सीमिंग कंडीशंस न्यूजीलैंड में मिलती हैं, तो वो उनके लिए कोई नई कंडीशंस नहीं है इंग्लैंड की, ठीक है ना। इंडिया को बहुत मुश्किल होगी बिकॉज अगर आपको याद हो जब पिछले भी पहले भी टेस्ट जब खेले हैं तो इंडिया हर बार पहले एक दो टेस्ट में हारती है या फिर यू नो बहुत स्ट्रगल करती है, लो स्कोर्स करती है, उसके बाद वो तीसरे से पिकअप करना शुरू करते हैं तो या तो सीरीज लेवल कर देंगे या इस तरह होता है। इस दफा तो पिकअप का कोई चांस नहीं, कोई चांस इस दफा नहीं तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने अगर खराब खेला तो। बिल्कुल न्यूजीलैंड का बहुत मैं तो मेरी फेवरेट तो न्यूजीलैंड ही न्यूजीलैंड है। माजिद भाई, ये मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, एक तरफ केन विलियमसन कैप्टनशिप कर रहे हैं, एक तरफ विराट कोहली कर रहे हैं, दोनों दुनिया के जो चार टॉप बैट्समैन है उसमें भी शुमार होते हैं और एज ए लीडर भी अपनी टीम को बहुत लीड करते रहे, दोनों की क्यादत का कितना बड़ा मुकाबला है? नसीम भाई, ये जो केन विलियमसन 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो टीम की कप्तानी कर रहा है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कप्तानी में वो विराट कोहली से आगे मेरे हिसाब से। और जहां तक टीमों की बात है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम फेवरेट है इंडिया का, और उसका इंग्लैंड के अंदर मेरे हिसाब से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये बातें तो चल रही, कमेंटेटर कह रहे हैं कि अच्छा मुकाबला होगा, ये होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि
विराट कोहली को हमने एंडरसन के आगे देखा है स्लिप में, जिस तरह ये स्विंग में फंस जाते हो, और मकसद काफी मुश्किल होगी इंडिया की टीम को, जिस तरह की न्यूजीलैंड की क्रिकेट हो गई है फास्ट बॉलर को देखे, फिर वो जेमिसन आ गया, वैगनर आ गया, साउथी है, कितने बॉलर हैं उनके, बड़ी बात फील्डिंग उनकी आप देख ले, हर चीज में इम्प्रूवमेंट है। और स्पेशली फिर मैं कहूंगा कि विलियमसन की कप्तानी बहुत आला कप्तानी है, मकसद फील्डिंग ऐसी सेट करते हैं बिल्कुल आगे वाली टीम को अपनी कप्तानी से दबा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2019 का वर्ल्ड कप ये नहीं जीत सके, लेकिन ये कि कप्तानी में उसकी कोई, वो भी एक रन चला गया, वरना तो यही जीत गए थे, इंग्लैंड थोड़ी जीतता वहां पर भी, जिस तरह से वो सूरत हाल होती। महबूब भाई यही आपसे भी सवाल है, ये जो टेस्ट सीरीज जीत गया है न्यूजीलैंड, और कंडीशन को बहुत हद तक समझ गए, जहर इंग्लैंड की हवा कैसी चल रही है, आबो हवा कैसी है, पिचेस की कंडीशन कैसी है, मॉइस्चर की क्या सूरत हाल हो जाती है, यानी कि तमाम कंडीशन से हम आंग हो गए, वेयर इज इंडिया इज कंसर्न, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, कोविड से निकले क्वारंटाइन से देन प्रैक्टिस की है, कुछ कीवीज तगड़े होंगे। जी नसीम भाई, अगर आप देखें ना तो जिस तरीके से कीवीज यहाँ पे अभी सीरीज खेली है रिसेंटली, और यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हो गई है, और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा जो है इंग्लैंड में अपनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी उसने नहीं दी है, कई सालों से जो है इंडिया जो है इंग्लैंड में अच्छा नहीं खेलता है, और सबसे मेन इसमें ये बात ये कि ये हो रहा है फाइनल, जब फाइनल हो रहा है तो पिच भी इस तरीके की बनेगी कि उसमें रिजल्ट आएगा। एक दिन हालांकि एक्स्ट्रा भी रखा है उन्होंने, छठा दिन भी रखा है कि अगर मैच कोई खराब होता है तो छठे दिन भी रिजल्ट के लिए जाएंगे, इसीलिए पिच भी इस तरीके की बनाई जाएगी कि वहां पे स्विमिंग कंडीशन होंगी, और जिस तरीके की न्यूजीलैंड की टीम है 100% इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि न्यूजीलैंड को फेवर हासिल है, पर आप अगर स्टेट्स देखें तो फिर भी मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड हमेशा से चौकर रही है, और इंडिया हमेशा से उसको बड़ा मैच खेलना, बिग मैच प्लेयर है, बड़ा मैच उसको खेलना आता है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके, लेकिन से अब वो चोकर नहीं रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो चोकर पुराना दौर हो गया, अब जब से आप बहुत तगड़े हो गए, वो तगड़े सारे फॉर्मेट में देखे आप, नसीम भाई बिल्कुल तगड़े हो गए, पर दो मरतबा वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक बात है, और इंडिया भी इस टाइम पे चोकर वाली लिस्ट में ही है, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत ज्यादा कोलैप्स किया है, किसी भी आईसीसी इवेंट में जो है वो फाइनल सेमीफाइनल में हारते रहे, पर एक एडवांटेज ये उनको लाजमी हासिल है कि इंडिया को बड़ा मैच खेलना आता है, बड़ा मैच खेलने आता है। साजिद भाई, अभी माजिद भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो तगड़ा मुकाबला इनी इंग्लैंड की कंडीशन में न्यूजीलैंड करके, वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो 18 जून से फाइनल होने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच जो 18 जून से फाइनल होने वाला है वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में होने वाला है, और ये पहला टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा जून का महीना भारत के लिए बड़ा अनलकी रहा है व्हेन इट्स कम टू आईसीसी टूर्नामेंट। आपको बताएं, जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी आपको, 16 या 17 जून को शायद पाकिस्तान से मैच हारी थी इंडिया, और उसके बाद 2019 के सेमीफाइनल में भी जून का ही महीना था और इंडिया 18 या 19 जून को ही हारी थी न्यूजीलैंड से, शायद मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जून का महीना ही था। तो दोस्तों ये मतलब जून का महीना बड़ा मनहूस टाइप का साबित होता है इंडिया के लिए। मैं एज अ क्रिकेट फैंस काफ़ी दुखी हुआ था जब 2019 में इंडिया सेमीफाइनल में हार गई थी। हालांकि उस मैच में आपको याद होगा एमएस धोनी अगर पहले आ जाते, एमएस धोनी ने उस मैच में 72 बॉल में 49 रन बनाए थे, लास्ट में जो रन आउट हुए थे वो, अगर वो रन आउट ना होते तो शायद मैच का शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन वो बहुत लेट आए थे जिस वजह से इंडिया उस पोजीशन में पहुंची थी। मतलब सातवें नंबर पर अगर एमएस धोनी आ रहा है जो बड़े मैच का प्लेयर है तो डेफिनेटली आपके कोच और कप्तान की गलती है। अब मुझे नहीं पता कि विराट कोहली या रवि शास्त्री का डिसीजन था या एमएस धोनी खुद का था, क्योंकि अगर एमएस धोनी उस मैच में पहले आते तो शायद जो सामने से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या गलत शॉट मार कर गए वो मतलब उतनी सिचुएशन भी नहीं पहुंचती। तो वो मैच मतलब शायद अभी के इस जनरेशन के लोगों का सबसे मतलब सबसे दर्दनाक मैच रहा होगा, और वो टीम थी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों उस मैच में आपने डेफिनेटली देखा होगा इंडिया के शायद
पाँच पे तीन विकेट गिर गए थे, उसके बाद फिर जब जडेजा और ये आए थे शायद पाँच विकेट गिर गए थे, एमएस धोनी जडेजा ने 150 रन की पार्टनरशिप की, उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर जडेजा आउट हुए, फिर एमएस धोनी रन आउट हो गए, और वो मतलब मेरे हिसाब से तो मैं 2003 के वर्ल्ड कप में बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी 2003 का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग होती है, क्योंकि दादा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और दादा का फ़ैन होने के नाते मैं वो चाहता था कि दादा एक बार वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उसके बाद ये मुझे सबसे दर्दनाक मैच रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि एमएस धोनी का मैं चाह रहा था कि फेयरवेल ऐसा कुछ हो कि वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ बाहर जाएं, तो वो अपने आखिरी मैच में उन्होंने जो 50 का एवरेज का उनका था वो 49 पर आउट हुए और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, हालांकि उसमें एमएस धोनी का बिल्कुल भी दोष नहीं था, एमएस धोनी अगर पहले आते तो वो मैच जीत जाते, जो इंडिया के टॉप थ्री थे वो पहले ही फुस हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, अब इस टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में आपको क्या बोले, ये मैच हो रहा है दोनों के लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड पर, ये न्यूट्रल ग्राउंड इंडिया के लिए ज़्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट कुछ हद तक तो बहुत सही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीमिंग ट्रैक हैं और सीमिंग ट्रैक में दिक्कत ये होती है कि इंडिया के प्लेयर जो पहले दूसरे टेस्ट मैच में आपने देखा होगा किसी भी दूसरे देश में सीमिंग ट्रैक में जाते हैं तो वो उनकी हवा निकलती है, हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, न्यूजीलैंड से अगर ये मैच जीत भी गए तो मुझे फिर भी वो 2019 का जो दर्द है वो कम नहीं होने वाला है दोस्तों, उस दर्द को मतलब वो मैच तो मतलब लाइफ का सबसे ख़राब मैच, मेरी लाइफ का सबसे ख़राब मैच, शायद दूसरा सबसे ख़राब मैच होगा, 2003 में बहुत छोटा था मैं, लेकिन फिर भी मुझे याद है फाइनल में बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे, यहाँ पर लोकल में बड़े बड़े पर्दे पर लग रहे थे मैच, लेकिन वो मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने खैर बहुत बुरा हराया था, उसमें तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन इस मैच में न्यूजीलैंड से हम जीत सकते थे और ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली और ओवरऑल टीम इंडिया जिस तरीके से खेल रही थी। दोस्तों ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा न्यूजीलैंड स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी जो है मैन जो उनके की प्लेयर हैं उनके बिना इंग्लैंड को बहुत बुरा हराया, हालांकि इंग्लैंड के भी की प्लेयर नहीं थे, इंग्लैंड के भी बैन स्टोक जैसे प्लेयर नहीं थे, तो इस मैच में जो मतलब नतीजा रहा वो इंग्लैंड की तरफ नहीं था, इंग्लैंड की होम कंडीशन में, और इंडिया अब वहां पर जा रही है न्यूजीलैंड से खेलने, अभी केन विलियमसन वापस आएंगे, हालांकि आपको बता दें कि मुझे इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की बहुत कमी खल रही है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार से पहले जो यंग टीम इंडिया थी जैसे कि आपने देखा सिराज और शार्दुल ठाकुर और सुंदर वगैरह, इन सभी ने मतलब ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाया था परफॉर्मेंस और जीत कर आए थे वहाँ से, तो उम्मीद करते हैं यही लोग फिर से कुछ चमत्कार करेंगे और ये फाइनल इंडिया जीतेगा, लेकिन आपको पहले ही बता चुका हूँ जून का मनहूस महीना और न्यूजीलैंड से अपनी लास्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में ख़राब याद है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।